मैरिज, शादी, एक लड़के और लड़की दोनों का बराबरी का जिंदगी का एक बहुत बड़ा लम्हा होता है। लेकिन ये लम्हे के बाद एक लड़के की जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। वही घर, वही पेरेंट्स, वही रूल्स। लेकिन एक लड़की के लिए उसी लम्हे के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, अ लाइफ फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स। लेकिन जरा सोचिए, हम कौन से एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं? गाइस, शादी के पहले यही लड़की बिल्कुल वैसी थी जैसी आज शादी के बाद है। फिर कुछ लड़के उनकी फियांसेस, उनकी वाइफ से ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी, अपने आप को कंप्लीटली भुलाकर उनके कहने के हिसाब से चलेंगी, घूमे फिरेंगी, उठेंगी बैठेंगी? क्या ये सही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि आप एडवाइस कर सकते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं वो सही और गलत में फर्क जानती हैं। वेलकम टू बिंदास प्रेजेंट्स हल्ला बोल सीजन 2। इसमें हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी खास कहानियां जिनमें लड़कियों ने लाइफ की बेसिक चीजों के लिए अपनी आवाज उठाई। आज की स्टोरी है दिल्ली की लड़की अंजलि की, अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी। इसकी शादी तय हुई थी एंड दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड। अंजू, ये देख, ये कैसी लगी? नहीं मम्मा, दिस इज टू फ्लैशी। ये नहीं, कोई और। हेलो, अरे मैं तुझे 2 दिन से फोन ट्राई कर रही हूँ, कहाँ छुपा बैठा है तू? अरे कुछ नहीं यार, बस नानी के यहाँ गया था और वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। अच्छा बच्चू, तू ना नानी के यहाँ ही रही हो, मेरे एंगेजमेंट में आने की कोई जरूरत नहीं है। अंजलि बेटा, फोन बाद में कर लेना ना, पहले साड़ी पे सिलेक्ट कर ले। अच्छा अच्छा अच्छा, सुन सुन सुन, आई टॉक टू लेटर और मैं तुझे शाम को मिलती हूँ, ठीक है? ओके, बाय बाय बाय। अच्छा मम्मा लिसन, मुझे ना निशांत से मिलना है, आई एम गेटिंग लेट, ठीक है? आप अपने हिसाब से कोई भी साड़ी चूज कर लो, इन दो। ये क्या बोल रही है? तूने ना इसे बहुत ही छूट दे रखी है। अरे यहाँ इसकी शादी की तैयारियां चल रही है और ये है कि लड़के के साथ बाहर घूमने जा रही है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? निशान से ही तो इसकी शादी हो रही है। लड़का लड़की शादी से पहले नहीं मिलते थे, ऐसा पहले होता था, गए वो जमाने। समझदार है, सही फैसले लेती है, करने दो इसे जो करना है। थैंक यू पापा। चलो ना, हैव टू गो, बाय पापा, टेक केयर, बाय। मिलना रेडी भी तो होना है। थैंक यू, थैंक यू। पता है निशान, आज ना पूरा दिन सिर्फ शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। ओफो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। क्या? हमने ना तुम्हारे लिए एंगेजमेंट रिंग ले ली है। आई तो लव्ड इट, तुम्हें भी पसंद आएगी। अरे तुमने चूज किया है तो अच्छी ही होगी। और अगर नहीं पसंद आई तो? नहीं पसंद आई तो एक्सचेंज करा लेंगे, उसमें क्या है। अच्छा निशान, आई हैव टू लीव नाउ, मेरे सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। संगीत के लिए डांस प्रिपेयर करना है ना, तो उसकी तैयारी है। अच्छा, फुल ऑन प्रिपरेशन चल रही है। हाँ चलो, कहाँ जाना बताओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके निशान, आई विल गो। बेकार की बात मत करो, आई विल ड्रॉप यू। व्हाई डोंट यू कम? नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा तो तुम्हारे दोस्त कहेंगे चिपकू है। किसी की मजाल, कोई कुछ बोल के तो देखे, मरना है क्या उन्हें? बाय द वे निशान, आई एम सो लकी टू हैव यू एज माय लाइफ पार्टनर। सेम हियर। इसी बात पे एक सेल्फी बनता है। हाँ, व्हाई नॉट, कम। तुम्हारी लॉ कंप्लीट होने में अभी कितने, 5 एग्जाम्स बाकी? हाँ 5, 5 एग्जाम्स। सो आर दे कूल अबाउट दैट? ऑफ कोर्स, वो जानते हैं ना, क्योंकि शादी की बात करते हुए पापा ने उन्हें बताया था। जानने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, शादी के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, प्रायोरिटीज, सपने, फैमिली,
एवरीथिंग. पहले सब हाँ 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 होता है, बाद में सब उल्टा सीधा हो जाता है. जरूरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन कि लड़का कैसा चूज करते हो. सपने पूरे करने का हक सबका है, और फिर शादी करने से क्या हो जाता है, कुछ चेंज थोड़ा ना होता है. बिल्कुल करेक्ट. तुझे क्या लगता है शी? ऑब्वियसली अब शादी हुई है, पर्सनालिटी चेंज तो नहीं ना, जो करना है वो तो करना ही है. व्हाट्स इट? ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, आई ऑलवेज सपोर्ट यू. कम ऑन. अच्छा चलो सुन गाइस, आई हैव टू रश. ओके ये तुमने कैसे कपड़े पहने अंजलि? तुम्हें अच्छा लगता है लोग देखते हैं तो? अरे ना हाय ना हेलो, सीधा गुस्से शुरू. अगर लोग घूरते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है. बट प्लीज गुस्सा मत हो, ओके? अच्छा ठीक है. अच्छा घर पे फोन कर लेना कि हम लेट आएंगे, आज मूवी देखने का प्लान है. निशान एक्चुअली कल मेरे एग्जाम है और मैंने कुछ पढ़ाई भी नहीं की है शादी के चक्कर में, और सोच रही कि आज रात में पढ़ाई कर लूं फुल नाइट. हम किसी और दिन मूवी जाएं प्लीज. कम ऑन अंजलि, मैं फ्रेंड्स को बोल चुका हूँ, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा. निशान तुम्हें एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था ना. पूछ लेना चाहिए था मतलब अब मैं सारे प्लान्स बनाने से पहले तुमसे परमिशन लूं? एक्सक्यूज मी अंजलि, शादी एक बार होती, पढ़ाई तो बार बार हो सकती है. और मान लो कि तुमने नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा, रिपीट करना पड़ेगा बस. व्हाट्स अ बिग डील? रिपीट इज अ बिग डील फॉर मी निशान. अच्छा अगर तुम पास नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, क्या तुम घर चलाने वाली हो, क्या तुम पे कोई डिपेंडेंट है? नहीं ना, जब देखो पढ़ाई एग्जाम तुम्हारी बातों से तंग आ गया हूं मैं. तुम घर चली जाओ, मुझे कुछ काम याद आ गया. बैठी रहो, ऐसे कपड़े पहने हुए लोग फिर से घूरेंगे तुम्हें. शाम तो खराब करी दी तुमने मेरी, अब घर भी ड्रॉप कर देता हूं. एग्जाम्स कैसी गई? और हम जो शादी के बाद जो पार्टी थ्रो करने वाले हैं, निशान से बात की कि नहीं इसके बारे में? अरे हाँ यार, उसके फ्रेंड्स को भी तो इनवाइट करना है. इनविटेशन भेज देंगे. आई नो यार, बट
वो ना मुझे थोड़ा नाराज है कल से। इनफैक्ट मुझे फोन भी ट्राई करे पर वो फोन नहीं उठा रहा है। बस थोड़ा सा टेंस्ड हूँ। आई विल जस्ट कॉल हिम। अरे लीव यार, तुम जब देखो निशान 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 क्यों क्यों? आई एम नॉट गोना गिव यू योर फोन बैक, ओके? हमारे साथ भी तो टाइम स्पेंड करो यार। जरा ना कुछ बात करनी है। निशान तुम यहाँ? मैं तुम्हें फोन ट्राई कर रही थी। दो मिनट के लिए प्लीज। एक सेकंड। एक्सक्यूज मी गाइस। निशान हुआ क्या है बताओगे प्लीज? कल जब मैं मूवी जाने के लिए कह रहा था मेरे दोस्तों के साथ तो तुम्हारे पास टाइम नहीं था। आज अपने दोस्तों के साथ हाथ पकड़ कर पूरा शहर घूमने के लिए टाइम है तुम्हारे पास? निशान ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अभी तो एग्जाम से फ्री हुई हूँ मैं। इनफैक्ट मैंने एग्जाम फिनिश करते ही तुमको फोन किया था पर तुमने फोन नहीं उठाया। बाय द वे फोन तो तुम्हें करना चाहिए था ना? कल कैसे गाड़ी से उतार रहे थे तुम मुझे? उतरने के लिए कहा था, उतारा तो नहीं था ना? नहीं ना? फिर ओके फाइन, तभी तो मैं तुम्हें फोन कर रही थी पर तुमने फोन नहीं उठाया। मुझे लगा शायद बिजी होंगे इसलिए तुमने फोन नहीं उठाया और इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीने इधर आ गई। हाँ, अगर पता होता तो। पता होता तो क्या? You mean अब से मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तुम्हें बता के जाऊँ? काम के सिलसिले में आया हूँ मैं यहाँ, तुम्हारी तरह आवारा गर्दी करने नहीं। निशांत ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? ओ, बुरा लग रहा है? तब बुरा नहीं लगता जब लड़कों के साथ ऐसे आवारागर्दी करती हो। जब तुम्हारे दोस्त स्पेशली ये लड़के तुम्हारी पिक्चर्स को लाइक करते हैं, तुम्हारी पिक्चर्स पर फालतू के कमेंट्स करते हैं, तब तुम्हें बुरा नहीं लगता? अगर तुम्हें ये सब इतना ही पसंद है ना तो उनके साथ ही रहो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अंजलि को सडनली कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ थी फैमिली की एक्साइटमेंट और दूसरी तरफ निशांत की पोजेसिवनेस। उसके बिहेवियर से वो शॉक तो थी पर एक छोटी सी फाइट के लिए सीन क्रिएट करने की जगह अंडर प्रेशर उसने वही किया जो यूजुअली सबसे आसान होता है, सिचुएशन को अवॉइड करना। ये क्या हुआ? व्हाट आर यू थिंकिंग? पता नहीं यार, मैंने निशांत के बारे में जैसा सोचा था ना वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट बिहेव करने लगा है। कभी कभार तो बहुत स्वीट है और कभी बहुत पजेसिव। कभी कभार ना मेरी लाइफ कंट्रोल करना चाहता है वो। मैं लॉ पढ़ के प्रोफेशनल होना चाहती हूँ बट उसे इस बात की कोई पड़ी ही नहीं है। इस बात को अप्रिशिएट करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो इस बात को कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं देता है यार। होता है यार, ऐसे होता है। लोग चाहे जितनी इक्वालिटी के बारे में बातें कर लें, शादी के बाद तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, वो भी लड़की को ही। अच्छा सुनना इधर। हाँ, मैं सोच रही हूँ मैं अपने बैलेंस चेक करा लेती हूँ। तो ये तय रहा कि शादी फार्म हाउस में होगी। बेटा तूने नाम की बात की? मम्मी मैं मम्मी जी सर नेम ना? वो तो शादी की बात है, रजिस्ट्रेशन के साथ हो जाएगा। नाना बेटा सर नेम तो चेंज हो ही जाएगा, मैं तो तेरे नाम की बात कर रही थी। अरे बेटा तूने बताया नहीं इसे? बेटा हमारे घर का रिवाज है, बहू लाते हैं तो माँ बाप का दिया हुआ नाम बदल कर लाते हैं। शादी एक तरीके से नई शुरुआत होती है, हमारे यहाँ नए नाम के साथ होती है। देखो मैंने भी तो नाम बदला है। मतलब
मेरा फर्स्ट नेम, पापा मेरा नाम तो मेरी आइडेंटिटी है ना। हमारे घर की सारी औरतों ने शादी के बाद अपना नाम बदल किया है आंटी। मैं चाहूंगा जो रिवाज चलता आया है वो आगे भी चलता रहे। देख बेटा, शादी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ऐसी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ मत बनाना। छोटी बात? मम्मा, वो मेरा नाम बदलने के लिए कह रहे हैं, मुझे अपना नाम नहीं बदलना है। देख, ये रिश्ता तेरे पापा की बुआ की तरफ से आया है और मुझे इस रिश्ते में कोई भी ऊंच नीच नहीं चाहिए। पापा, आप एक बार प्लीज उनसे बात करें ना, प्लीज। देखो अंजलि, बहुत हो गया, अब इस टॉपिक पर दोबारा कोई बात नहीं होगी। इन छोटी मोटी बातों में टाइम वेस्ट करती है। पापा, मम्मा बात तो सुनो। हेलो, हाँ जी बोल रही हूँ। ओ अच्छा, कब? आज? अब क्या हम इसे कल के लिए रिशेड्यूल कर सकते हैं प्लीज? ओके ठीक है, अब ओके आई कम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। हेलो आंटी, नमस्ते। आई मीन मम्मी जी, नमस्ते। नमस्ते, कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं तो? अब मम्मी जी, एक्चुअली मैं जिस लॉ फर्म में बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, वहाँ अचानक मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया और मुझे अभी बुला रहे हैं। मैंने एक्चुअली पोस्टपोन करने की बहुत ट्राई की, बट वो बोले कि अभी आ जाओ, तो मैं प्लीज़ वहाँ फिनिश करके आपके यहाँ आ जाऊँ। अगर इतना ही जरूरी है तो कोई बात नहीं, जाओ। थैंक यू मम्मी जी। हेलो निशान बेटा। तुम यहाँ कैसे आए? आई एम श्योर तुम्हें आंटी ने बताया होगा, राइट? सो स्वीट ऑफ हर। गेस व्हाट, क्या हुआ? मैं यहाँ इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। तो क्या मैं नाचूं? भांगड़ा करूं? तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैंने तुमसे कहा था ना, मम्मी की बेइज्जती मत करना। उन्होंने इतने प्यार से तुम्हें किट्टी में बुलाया और तुम यहाँ चली आई। निशांत, मैं वहाँ जाने वाली थी, इनफैक्ट मैं तो रेडी भी हो गई थी, लेकिन फिर मुझे अचानक कैसे कॉल आ गया और मुझे आ गया तो क्या? निशांत, दिस इज माय ड्रीम कंपनी, रायना एंड रायना, सब यहाँ जॉब पाने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। जिनको स्ट्रगल करना है वो करें, तुम नहीं करोगी। तुम्हारा इस स्टूपिड सा करियर मेरी फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, समझी? मम्मी की अपने किटी फ्रेंड्स के सामने कितनी बेइज्जती हुई है, कितनी शर्मिंदगी हुई है, बेचारी घर में दुखी पड़ी हुई है। निशान, तुम्हें किटी पार्टी को मेरे करियर के साथ कंपेयर कर रहे हो? ये बताओ कि अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? मैं एक लड़का हूँ अंजलि, घर का खर्च मुझे उठाना है, मेरा करियर इम्पोर्टेंट है। तुम कुछ करो या नहीं करो, से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। निशान, आवाज नीचे। नहीं तुमको इंटर्नशिप करोगी, नहीं नौकरी। This is final. भैंस और बकवास सुनने की मुझे आदत नहीं। सुधर जाओ अंजलि, मुझे मजबूर मत करो तुम्हें सुधारने के लिए।
इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हो गई हो तो क्या नाचू भांगड़ा करू? तुम समझती क्या हो मैं? तुम्हारा स्टूपिड सा करियर मेरी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम कुछ करो या नहीं करो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। निशान आवाज नीचे। सुधर जाओ अंजलि, मुझे मजबूर मत करो तुम्हें सुधारने के लिए। शादी कैंसिल करने की बातें कर रही है। दो दिन बाद शादी है, घर में सारे मेहमान आ चुके हैं, कार्ड्स बढ़ चुके हैं। अब क्या होगा? अब किसी को कैसे मुंह दिखाएंगे? मामा, पापा, निशांत ने मुझ पर हाथ उठाया है और बजाय कि सॉरी बोलने के वो सामने से फोन करके कह रहा कि शादी कैंसिल कर दो। अब अगर उसे शादी कैंसिल नहीं करनी है ना तो आप भी अभी उसे फोन करेंगे और कहेंगे कि शादी कैंसिल है, हमने नहीं करनी है शादी। ये कैसी बात कर रही हो अंजलि? लोग क्या कहेंगे, कितनी बेइज्जती होगी और क्या सोचेंगे लोग तुम्हारे बारे में? ये रिश्ता मेरी बुआ की तरफ से आया पर तुम। पापा, निशांत ने आज मुझे एक बार मारा है, तो शादी के बाद अगर वो रोज मुझे मारेगा तभी आप यही कहेंगे कि शांत हो जाओ, ये तो होता रहता है। इसकी बहस करने की आदत से मैं परेशान हो गया हूँ। सीमा सीमा तुम ठीक ही कहती थी, इसे बच्चा बोल बोल के मैंने बड़ा ही नहीं होने दिया, मेरी गलती है। देखो अंजलि, प्लीज प्लीज बिना कोई झंझट किए ये शादी कर लो। अब अपनी इज्जत नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत के लिए शादी कर लो। अब बहुत देर हो चुकी है, अब हम पीछे नहीं जा सकते, प्लीज। कुछ पेरेंट्स सोसाइटी के प्रेशर में आके अपनी लड़की को ये कह देते हैं कि अब कुछ भी हो जाए शादी तो करनी पड़ेगी, ये शादी निभानी पड़ेगी, हम पीछे नहीं हट सकते, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। क्यों, क्या शादी के बाद की जो सफरिंग्स है वो सोसाइटी झेलने वाली? फिर क्यों कई बार पेरेंट्स ये जानते हुए कि आगे खड्डा है सिर्फ एक पल के समाज के प्रेशर में आके अपने खुद के बच्चों को उसमें ढकेल देते हैं? कौन सी रिस्पेक्ट, कौन सी प्रेस्टीज, क्या सोसाइटी जब अपने बच्चे खुश ना। सैडली निशांत के हाथ उठाने के बावजूद अंजलि के पेरेंट्स ने अंजलि के पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। पर क्या अंजलि अपनी डेस्टिनी को मानकर ये एक्सेप्ट करने वाली थी? सुधर जाओ अंजलि, मुझे मजबूर मत करो तुम्हें सुधार देंगे। आप ही अभी उसे फोन करेंगे और कहेंगे कि शादी कैंसिल है, हमने नहीं करनी है शादी। ये कैसी बात कर रही हो अंजलि? लोग क्या कहेंगे, कितनी बेइज्जती होगी और क्या सोचेंगे लोग तुम्हारे बारे में?
मेरी शान है तू। तेरी खुशी के लिए बेटा मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज मेहंदी में जब तेरा उदास चेहरा देखा तो पता है कितना मुश्किल रहा मेरे लिए। जानता हूं उसकी एक वजह मैं भी हूं, पर बेटा ये सब तेरे अच्छे फ्यूचर के लिए है। हो सके तो अपने पापा को माफ कर देना। कल से इस घर में बहुत मिस करूंगा तुझे। इस घर से नाराज होके मत जाना। देख रही हूँ तुम्हारा मूड बिल्कुल उखड़ा हुआ है और आज भी चेहरे में कोई चमक ही नहीं है। आए राम, सारा रंग ही उतर गया है। बोलना बच्चे, क्या हुआ है? बताना मुझे। कुछ नहीं नानी। कुछ नहीं, ठीक है भाई। नानी को बेवकूफ समझती हो? हाँ भाई, अब आंखें कमजोर हो गई हैं, कुछ भी दिखाई दे जाता है, है? बेटे जब मैं तेरी उम्र की थी ना, शायद तेरी से भी थोड़ी छोटी रही होंगी, तो मेरे लिए भी बहुत से रिश्ते आए थे और फिर मेरे पिता ने उन रिश्तों में से दो रिश्ते चुने, एक अमीर जमींदार का बेटा और दूसरा स्कूल टीचर। लोग कहते थे अरे जमींदार के घर में जाएगी तो बहुत राज करेगी, पर बेटा मैंने बहुत सोचा और मैंने तेरे नाना जो स्कूल टीचर थे उनका रिश्ता चुना। जानती हो क्यों? जिस घर में जाने के बाद अपना आत्मसम्मान पीछे छोड़ना पड़े वो कैसी जिंदगी है। आज तू बेटी है, बहन है, शादी के बाद दुल्हन बनेगी, माँ भी बनोगी, ये सब आसान है। लेकिन बेटा अपना वजूद बनाना, अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बेटा शादी बराबर वालों में होती है, ताकि आपको समान अधिकार मिले और आपका सम्मान भी हो। एक बात और याद रखना कि फैसला तुम्हें खुद लेना पड़ेगा, समझी ना? याद रखना मेरे बच्चे।
काम के सिलसिले में आया हूं मैं, तुम्हारी तरह आवारा गर्दी करने नहीं। तुम समझती क्या अपने आप को? तुम्हारा स्टूपिड सा करियर मेरी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस घर में जाने के बाद अपना आत्मसम्मान पीछे छोड़ना पड़े वो कैसी जिंदगी है? तुम कुछ करो या नहीं करो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। निशान, एक बात और याद रखना कि फैसला तुम्हें खुद लेना पड़ेगा। चलो बेटा चलो। हाँ अभी एक मिनट आता हूं। अंजलि बेटा, अंजलि बेटा चलो आओ बेटा, सब इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? दुल्हन मंडप पे क्यों नहीं आ रही है? ये क्या तमाशा बना रखा है? चलो अंदर, चलो अंदर, चलो। क्या? क्या निशान? हाँ क्या कर लोगे तुम? कब तक मुझे ऐसा डरा धमका के रखोगे निशान? कब तक? ये क्या बदतमीजी है? तुमने थप्पड़ कैसे मारा? अंजलि बेटा ये सब क्या है? I'm so sorry पापा। पापा प्लीज आज मुझे मत रोको, प्लीज आज मुझे बोलने दो, प्लीज पापा। मैं जानती हूँ पापा आप मुझे इससे शादी इसलिए कराना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आप ये सोच रहे होंगे ना कि ये लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे कि लड़की ने शादी तोड़ दी। पर पापा कल को उठ के अगर शादी के बाद मुझे कुछ हुआ तो इनमें से किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा पापा। तकलीफ होगी तो सिर्फ हमें, सिर्फ हमें पापा। आंटी आप ही शादी तोड़ना चाहते थे ना, तो मैं आपका ये सपना पूरा कर देती हूँ। मुझे नहीं करनी आपकी बेटी से शादी। नहीं करनी ऐसे इंसान से शादी जो किसी को इज्जत देना नहीं जानता, लड़की को अपने से कमजोर समझना, इसे कम समझना। अगर ये इसकी मर्दानगी है तो ये तो शादी के लायक भी नहीं है। लड़की को आगे बढ़ने से रोकना, उसकी सोच को रोकना, उसको घर में बंद रखना और उस पर हाथ उठाकर अपनी बात मनवाना, तो तुम ऐसे ही हो ना, तुम डरपोक हो। आंटी मेरी नानी कहती है कि रिश्ता बराबरी वालों से होता है, पर ये तो मेरे बराबर है ही नहीं।
ये तो मुझसे बहुत कम है। डरपोक है ये, और मुझे इससे शादी मंजूर नहीं है। नहीं है मुझे इससे शादी मंजूर। अंजलि क्या हुआ, क्या टूटा? हाँ, कुछ नहीं। अरे छोड़ ये सब, क्या कर रहे हो? मैं सब देख लूंगा। तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, तैयार हो जाओ। लेकिन टिया? टिया को मैं प्ले स्कूल ड्रॉप कर दूंगा, पिक भी कर लूंगा। I'm so lucky to have you. Thanks for coming in my life. ये अचानक प्यार? कुछ नहीं, मेरा बच्चा। मेरी शादी को अब 4 साल हो गए। हाँ, शादी के बाद कॉम्प्रोमाइज किए, एडजस्टमेंट्स भी किए, पर सिर्फ मैंने अकेले नहीं, करण ने भी की, पर सब अपने मन से, अपने आप को कमजोर समझने के लिए नहीं, और ना ही किसी की जिद के लिए। थैंक गॉड उस दिन ना कहने की हिम्मत आ गई, वरना शायद ये खुशी मैं कभी नहीं देख पाती। अंजलि के एक फैसले ने उसकी जिंदगी बदल दी, हालांकि रियलाइजेशन बहुत लेट हो, पर कहते ना, इफ इट्स राइट इट्स नेवर टू लेट। अरे बेवकूफ है वो लोग जो लड़कियों को वीकर सेक्स समझते हैं। अपने आप को वीक समझना बंद करिए, खुद को सपोर्ट करिए, खुद की रिस्पेक्ट करिए, आगे बढ़िए और अपनी आइडेंटिटी खुद बनाइए। किसी भी लड़के को यह हक नहीं कि वो तुम्हें कम या कमजोर बनाए। आइए आज आपको मिलाते हैं एक ऐसी लड़की से जिसने सोसाइटी के रिजिड नॉर्म्स को चेंज किया। मैं कोलकाता से हूं, किसी कारणवश मैं अपना नाम नहीं लेना चाहती, मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, पर जैसे ही मैंने अपने मास कॉम की पढ़ाई खत्म की, मेरे रिश्तेदारों के दबाव की वजह से मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। मम्मी ने कहा लड़का दिल्ली से है, अब्रॉड से पढ़कर आया है, इतने ओपन बैकग्राउंड का लड़का तुझे तेरे करियर में हर तरह से हेल्प करेगा। पर सगाई होते ही चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। उसको मेरे हर चीज से प्रॉब्लम थी, उसको बीवी नहीं गुलाम चाहिए थी। मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी। फाइनली मेरे घर वाले भी मान गए कि मैं गलत नहीं थी, और आज मैं बहुत खुश हूं। मैं व्यूअर से बस इतना कहना चाहती हूं कि एक लड़की का करियर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि एक लड़के का, क्योंकि मेहनत दोनों बराबर करते हैं। फिर क्यों किसी एक लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता है कि शादी के बाद वो अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ घर संभाले? डोंट गिव अप गर्ल्स, फॉलो योर ड्रीम्स, मेक योर ओन मार्क, क्योंकि लड़कियां कम नहीं होती। शादी दो लोगों का रिश्ता होता है, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइजेस दोनों को करना पड़ता है। इक्वालिटी सिर्फ राइट्स में नहीं, इमोशंस और डिसीजन मेकिंग में भी होती है। उसकी इज्जत करिए। किसी भी रिश्ते को सिर्फ निभाने के लिए निभाना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए चुप मत रहिए, बर्दाश्त मत करिए, आवाज उठाइए।